हेलो बच्चों कैसे हो आई थिंक यू विल बी हैप्पी एट योर होम आफ्टर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माय वीडियो लेक्चर टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 8.3 ऑफ टिक्नोमेट्री फ्रॉम एन सी आर टी टेक्स्ट बुक क्लास टेंथ तो बच्चों मैं आज आपको पढ़ाऊंगा टिक्नोमेट्री 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो so, सॉल्यूशन करने से पहले एक्सरसाइज 8.3 में एंटर करने से पहले हम कुछ टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिज आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज ये क्या होती है टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज इनके बारे में हम जानेंगे सम कॉमन आइडेंटिटीज हम देखते हैं जैसे कि एलजेवरिक आइडेंटिटी यानी कि ये क्या है बच्चों एल आइडेंटिटी ए प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर आप दूसरी देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी इसका मतलब है कि ए एंड बी की किसी भी वैल्यू के लिए एल एच एस और आर एच एस साइड इक्वल होगा इस तरह ही जिस तरह एल आइडेंटिटी आइडेंटिटीज होती है इस तरह ही टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी होती है ये जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पर बताया है साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन यानी कि थीटा की एवरी वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा इस तरह ही हम लेंगे साइन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ए एंड बी की किसी भी वैल्यू के लिए ऑल वैल्यूज़ के लिए ये एल एच एस साइड और आर एच एस साइड इक्वल होगा इस तरह ही एक्सपोनेंशियल और लॉग आर्थमिक आइडेंटिटीज भी होती है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ई रेज टू द पावर ए प्लस बी इक्वल टू ई ए डॉट ई बी एंड बी की किसी भी वैल्यू के लिए एल एच एस साइड और आर एच एस साइड इक्वल होगी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हम आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे चलो तो हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के साथ तो बच्चों डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो बच्चों हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी हुई है कॉस स्क्यर ए प्लस साइन स्क्र ए तो हमने ये आइडेंटिटी कैसे आई और इसका प्रूफ क्या है हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो बच्चों जैसे कि आप पाइथागोरस थोरम को सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पाइथागोरस थोरम वैलिड होती है राइट एंगल ट्रेंगल में तो बच्चों यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल जिसका एक एंगल यहाँ पर एंगल बी है 90 डिग्री तो इसलिए इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल अब हमें देखना है क्या बच्चों पाइथागोरस थोरम तो पाइथागोरस थोरम से हम क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्र इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर इसे ये है हमारी पाइथागोरस थोरम यानी कि हाइपोटेनियस स्क्र इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल का स्क्वायर यहाँ पर बच्चों ये आ गया है हमारा पाइथागोरस से कि पाइथागोरस थ्योरम अब मैंने क्या आइडेंटिटी मेरी इसको मान लिया इक्वेशन वन अब मुझे ये प्रूफ करना है कॉस स्क्यर ए प्लस साइन ए यानी कि कुछ आइडेंटिटीज थ्योरम का यूज करके मुझे वैलिड करनी है उनको प्रूव करना है तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड को ए सी से डिवाइड कर देता हूं तो देखते हैं आगे क्या होता है तो ए सी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी स्क्र ए बी डिवाइडेड बाई ए सी तो बच्चों यहां ए सी से क्या क्रॉस हो जाएगा वन और यहाँ आ जाएगा मेरा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ और इसको इस तरह लिख सकता हूँ अब मैं देखूँगा कि बी सी बी सी डिवाइडेड बाई ए सी बी सी क्या है बच्चों इसमें इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे हम इस एंगल के इस एंगल के अकॉर्डिंग बी सी क्या है अपोजिट साइड क्या है अपोजिट साइड और बच्चों ए क्या है मेरी एडजेसेंट साइड क्या ए मेरी इसके अकॉर्डिंग ए क्या है मेरा हाइपोटेनियस क्या है हाइपोटेनियस और ये अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों साइन का फंक्शन क्या होता है साइन ए तो यहाँ से आ गया मेरा इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं बी सी डिवाइडेड बाई ए सी की जगह पर लिख सकता हूँ मैं साइन ए अब दूसरा है मेरा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी ए बी क्या है इसमें बच्चों मेरी ए बी है मेरी एडजेंट साइड एडजेंट साइड और ए सी है मेरा हाइपोटेनस तो और एडजेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इक्वल टू होता है मेरा कॉस का फंक्शन कॉस ए तो बच्चों यहाँ पर वन बी सी डिवाइडेड बाई ए सी यहाँ से लिख सकता हूं मैं साइन ए का स्क्वायर और इसको ए बी डिवाइडेड बाई ए सी जो मैं यहाँ पर देख चुका हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस ए का स्क्वायर अब ये वन साइन ए होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो ये होगी मेरी आइडेंटिटी ये प्रूफ हो जाती है अब मैं इसको थोड़ा सा एक तो मेरा इससे ही मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्र एक्वेल टू कॉस स्क्र ये एक मेरी हो गई इससे आइडेंटिटी ये और इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्यर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए तो अब यहाँ पर देखोगे तो एक आइडेंटिटी मेरी ये आती है एक मेरी ये आइडेंटिटी है और दूसरी मेरी आइडेंटिटी बन जाती है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर ए अब आपको ये तीनों आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन और इसी को बेस लेते हुए हम बोल सकते हैं कॉस स्क्र ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्यर ए इक्वल टू वन माइनस स्क्वायर ए अब हम अगली आइडेंटिटी की तरफ पढ़ते हैं अगली आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है ये बच्चों वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्यर ए तो हमने क्या लिया है एक राइट एंगल ट्रेंगल लिया है अब हम इसको थ्योरम लिख सकते हैं ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्यर अब बच्चों हमने हम क्या करेंगे इसमें हम देखते हैं इसमें इसमें हम बच्चों करते हैं ए बी को से ए बी से डिवाइड कर देते हैं पहले हम ए सी से कर रहा था हमने अब की बार ए बी से कर देते हैं तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर यानी कि ये इक्वेशन नंबर वन है बोथ साइड को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड इक्वेशन की बोथ साइड को डिवाइड कर देते हैं साइड ए बी स्क्वायर से तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी स्क्र इससे ये क्रॉस हो जाएगा बच्चों और ये आ जाएगा मेरा ए सी ए बी स्क्यर इसको लिख दूंगा मैं इस तरह इसके स्थान पर आ जाएगा वन और इसके प्लेस पर आ जाएगा मेरा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वायर अब बच्चों देखना मुझे ए सी डिवाइडेड बाई ए बी यहाँ पर देखते हैं हम ए सी डिवाइडेड बाई ए बी अब ए सी डिवाइडेड बाई ए बी ये किसका ए सी डिवाइडेड बाई ए बी किसका क्या है ए सी ए सी क्या है हाइपोटेनियस ये क्या है एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड इक्वल टू होता है हमारा सैक ए तो इसके स्थान पर लिख सकता हूँ मैं सैक स्क्वायर ए और वन बी सी डिवाइडेड बाई ए सी बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इसमें बी सी क्या है मेरा अपोजिट साइड अपोजिट साइड और ए बी है मेरी एडजेसेंट साइड ये किसके बराबर होती है टेन का रेसो और टेन का टेन टिक्नोमेट्रिक रेसो टेन ए और ये हो जाएगा मेरा टेन स्क्र ए इस तरह मेरा प्रूफ हो जाता है टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ए और इसकी हेल्प से लिख सकता हूँ मैं इसको उससे अगली आइडेंटिटी बन जाएगी मेरी इसी 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 की हेल्प से सेक स्क्र ए माइनस टेन स्क्र ए इक्वल टू वन एक आ गया मेरा ये और दूसरा हो जाएगा मेरा यहाँ पर सेक स्वेयर ए माइनस वन टेन स्क्र ए इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है जब ये प्रूफ हो गई है तो यहाँ पर सिर्फ मैं टेन स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आया तो मेरा ये फार्मूला आ गया और अगर आइडेंटिटी आ गई और अगर मैंने सैक स्क्यर में वन को लेफ्ट साइड में ले आया तो मेरी ये आइडेंटिटी आ गई इस तरह ए बी पाइथागोरस थोरम से जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर वन उसको साइड ए बी के होल स्क्वायर से दोनों साइड से डिवाइड करने पर एल और आर को मेरे ये आइडेंटिटी प्रूफ होती है और उसी की मदद से मेरी आइडेंटिटीज आ जाती हैं ये दो अब चलता हूँ बच्चों में अगली आइडेंटिटी की तरफ अगली आइडेंटिटी है मेरी कोट स्क्र ए प्लस वन कुसेक स्क्र ए इसमें भी मैं क्या करूँगा पहले सबसे पहले मैं लिख लूंगा थ्योरम से इक्वेशन तो ए सी स्क्र इक्वल टू ए बी प्लस के बी सी अभी तक हमने ए सी से डिवाइड कर दिया ए बी से डिवाइड कर दिया अब बचा है बी सी तो इस बार कर देंगे हम दोनों साइड्स को इक्वेशन नंबर वन की को किससे बी सी से तो ए सी स्क्यर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्यर और बी सी स्क्यर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्यर इससे ये क्रॉस हो गया मेरा और इसको लिख सकता हूँ मैं ए सी डिवाइडेड बाई बी सी का स्क्वेयर इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर प्लस के वन अब मेरा ए सी क्या है यहाँ देखते हैं ए सी डिवाइडेड बाय बी सी ए सी क्या है मेरा हाइपोटेनियस और बी सी है मेरी अपोजिट साइड क्या है अपोजिट साइड और ए सी हाई डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड को हम लिखते हैं कोसेक है स्क्वायर क्या लिखते हैं कुसेक कु ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसका एंगल क्या है ए तो इसके प्लेस पर लिख दूंगा मैं इसको कुसेक A का ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बच्चों अब लिखते हैं हम इस वाले को ए बी डिवाइडेड बाय बी सी तो ए बी क्या है इसमें एडजेसेंट साइड और बी सी क्या है बच्चों इसका बी सी है इसका अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड होता है हमारा क्या बच्चों कोट का टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इसका आ गया मेरा कोट ए तो कोट स्क्यर ए प्लस के वन इसको मैं इस तरह लिख दूंगा और इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए इक्वल टू कोट स्क्यर ए प्लस वन इस तरह ये मेरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछता है प्रूफ करिएगा आप इसको विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल तो हम ये इस ट्रिक और इस मेथड को लगाकर इसको प्रूव कर सकते हैं और इसी से बन जाएगा मेरा एक और आइडेंटिटी कॉस स्क्र ए माइनस कॉट स्क्यर ए इक्वल टू वन कुछ नहीं करा है मैंने इसमें सिर्फ इसको री डिजाइन और री स्ट्रक्चर्ड कर दिया है और यहाँ इसे लिख सकता हूँ मैं इसको कॉस स्क्र ए माइनस वन कॉट ए इस तरह हमने पाइथागोरस थोरम की हेल्प से नाइन आइडेंटिटीज को मालूम कर लिया है कि उनको किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं तो नाइन आइडेंटिटीज को समझने के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ एक्सरसाइज 8.3 में कह चल पहला क्वेश्चन करते हैं पहले क्वेश्चन में कहते हैं एक्सप्रेस द टिग्नोमेट्रिक रेसो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए यानी कि बच्चों साइन ए जो टिग्नोमेट्रिक रेसो है उसको हमको लिखना है कोर्ट ए की टर्म में देखो अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो जब क्वेश्चन मैं करूँगा तो आपके समय में निश्चित ही आ जाएगा आप थोड़ा सा पेंसेंस पेंसेंस रखिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए हम कर रहे हैं साइन ए यानी कि साइन ए को किस में लिखना कोटे की फॉर्म में तो अभी तक मैं थ्री मैंने थ्री आइडेंटिटीज को जाना है और उनकी मदद से मैंने तीन 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 करके नौ आइडेंटिटीज़ में टोटल अभी तक जान चुका हूँ तो मैं सबसे पहले साइन ए की बात है तो जिसमें साइन ए आता है उस आइडेंटिटी को ही लिख लेता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन स्क्यर ए प्लस कॉस स्क्यर ए इक्वल टू वन ये क्या है आइडेंटिटी जो मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ मैं जानता हूँ अब मुझे क्या लिखना है बच्चे कोट ए के टर्म में क्या कोट ए के टर्म में साइन ए की वैल्यू लिखनी है तो इसको कैसे लिखते हैं अब हम यहाँ पर चलते हैं तो बच्चों कोट ए के टर्म में मुझे लिखनी है साइन ए की वैल्यू तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा इसमें साइन स्क्र ए डिवाइडेड बाई साइन स्र ए और डिवाइडेड बाई साइन स्वयर ए मैंने इसको साइन स्क्र ए साइन स्क्यर और साइन स्क्यर ए से डिवाइड कर दिया मैंने इसको क्यों डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे साइन ए को लाना है कोट की टर्म में साइन so, ए को किसकी टर्म में लाना है मुझे कोट की टर्म में तो मैंने इसलिए इसको साइन ए से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट गया तो आ गया मेरा और कॉस स्क्र ए बटे साइन स्क्र ए बच गया यहाँ पर मेरा कॉस स्क्र ए बाई साइन स्वयर ए इक्वल टू वन साइन स्क्र ए अभी बच्चों हम क्या जानते हैं हमने एक ये पढ़ा है टेन ए इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन एट पॉइंट वन के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको इसको समझाया है आप इसको समझने के लिए कैसे आता है मेरा एक्सरसाइज एट पॉइंट वन एंड इंट्रो की वीडियो लेक्चर जाकर देखिएगा उसमें आपकी क्लियर हो जाएगा और कॉट ए को लिख सकता हूँ मैं जस्ट अपोजिट कोट ही होता टेन ए का तो क्या होता बच्चों ये साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और कोटे होता है मेरा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए तो जो जहाँ पर कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए है वहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कॉट स्क्यर ए इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्र ए अब अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ वन प्लस कोट स्क्र ए तो ये बच्चों क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्यर ए क्या करा है मैंने इसको अपोज इसको रिवर्स कर दिया है इसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और इसके भी न्यूमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर बना दिया ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्र इक्वल टू हो जाता है मेरा वन प्लस कॉट स्क्यर ए इस साइन स्क्र का ए हटाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा इसका रूट और रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये अब साइन स्क्वायर ए का हम अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट के आ जाएगा साइन ए और यहाँ पर वन का वन का स्क्वायर क्या होता है वन और यहाँ पर ये वन प्लस के कोट स्क्र ए इस तरह जो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो आ जाएगा मेरा कोर्ट के टर्म में तो ये मेरा कोई बोलता है आपसे साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उस उसको लिखेगा कोर्ट के टर्म में तो मेरा ये क्वेश्चन आ जाता है ये अभी सेकंड में हमने बोला है इसमें टे अभी हम ये थोड़ा सा टेन ए को किसके रेशो में लिखना है मुझे कोर्ट के में तो टेन ए एक, को टेन ए को बच्चों में क्या लिखता हूँ साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और अगर मैं इसको जस्ट अपोजिट कर देता हूँ तो वन अपॉन टेन ए और ये हो जाएगा मेरा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन अब बच्चों इसके मुझे क्या लिखना टेन ए को क्या लिखना था कोट ए के फॉर्म में तो यहाँ पर मेरा वन अपॉन टेन ए हो गया ये किसके बराबर मेरा कोट ए अब यहाँ पर इसको अपोजिट करता हूं तो मैं क्या हो जाएगा टेन ए वन डिवाइडेड बाई कॉट ए तो इस तरह टेन ए को मैं कोर्ट की टर्म में लिख दिया यहाँ पर मैंने अब आती है बच्चों सेक ए की बात तो सेक ए की बात सेक ए के लिए क्या करेंगे हम हम आइडेंटिटी जानते हैं सेकेंड तो सेकेंड जो हमने पढ़ी थी अभी तो उसमें क्या था सैक स्क्र ए माइनस के टेन स्क्यर ए इक्वल टू वन और मुझे किसके वैल्यू जानी है सेक सेक की वैल्यू लिखनी है कोर्ट की टर्म में तो सैक स्क्यर ए इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस के टेन स्क्यर ए मुझे लग रहा है यहाँ तक आपकी समझ में ये आ गया होगा अभी सैक स्क्यर ए अभी मैं प्रूव कर चुका हूँ वन टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से वन बाई कॉट ए तो स्क्यर है तो क्या लिख दूँगा मैं कॉट स्क्यर ए वन का स्क्वायर वन होता है तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो सैक ए और ये होता है मेरा कॉट स्क्र ए ये हो जाएगा मेरा कॉट स्क्यर ए प्लस के वन और यहाँ पर सेक ए का स्क्वायर को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ का कर दूंगा रूट और रूट आने पर मेरा ये आ जाएगा ये अब मैं सेक ए को लिख सकता हूँ सेक इक्वल टू वन प्लस के कॉट स्क्र ए ये रूट हो गया इसका और डिवाइडेड बाई कॉट ए इस तरह मेरा सेक ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन द टर्म्स ऑफ आ गया कॉट ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए अब बच्चों हमारा ये है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेसोज राइस ऑल अदर टिक्नोमेटिक रेसोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए यानी कि जो मेरे सिक्स टिक्नोमेटिक रेसोज को जानता हूँ उन सब को लिखना है मुझे सेक ए के फॉर्म में तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट कॉस ले लेता हूँ मैं क्या कॉस तो कॉस ए को मैं जानता हूँ वन बाई सेक ए तो पहली तो मेरी होगी कॉस ए को वन बाई सेक ए के टर्म में मैंने लिख दिया अब चलता हूँ मैं सेकेंड सेकेंड मुझे लगता है कि हम करते हैं सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी जानते हैं सेक स्क्र ए माइनस टेन स्क्यर ए इक्वल टू वन अब सेक स्क्र ए माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्यर ए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ मैं टेन ए का अगर यहाँ पर क्या करूँ टेन ए का स्क्वायर हटा दूँ स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर रूट चढ़ा दूंगा रूट और रूट इसका क्या हो जाएगा बच्चों टेन ए और ये क्या आ जाएगा मेरा सेक स्क्र ए माइनस के वन तो यहाँ पर आ गया मेरा टेन ए इक्वेल टू सेक स्क्र ए माइनस वन तो इस तरह मेरा टेन ए का जो टिक्नोमेट्रिक रेशो है वो हो गया इन द टर्म्स ऑफ शैक ए इन द टर्म्स ऑफ शैक ए अब मैं थर्ड करता हूँ थर्ड में जानता हूँ कॉट ए के लिए लिख लेता हूँ मैं कॉट ए तो कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं वन अपॉन टेन ए और यहाँ पर आपने देखा है कि वन अपॉन टेन यहाँ पर टेन ए का इस तरह मैं प्रूव करके लिख सकता हूँ शेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट तो इस तरह मेरा कोट ए भी आ गया अब कोट ए से मैं बढ़ता हूँ कहाँ पर बच्चों फोर्थ नंबर क्या बच गया मेरा शैक ए क्या बच गया मेरा कॉस स्क्यर ए माइनस कॉट स्क्यर ए इक्वल टू वन यहाँ पर मैं क्या जानता हूँ बच्चों मैंने क्या देखा है मैं इस आइडेंटिटी को भी बहुत अच्छी तरह से पहले सॉल्व कर चुका हूँ और प्रूव भी कर चुका हूँ तो इसका मैं रीस्ट्रक्चर्ड करूँगा इसको तो मैं लिख सकता हूँ इसको रीराइट करता हूँ तो कॉट ए और यहाँ पर बच्चे आप देखोगे तो वन मुझे क्या चाहिए सेक के टर्म में तो मैं इसको सेक की टर्म में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सोचोगे क्या टेक्निक है किस तरह आप ले जा रहे हो आपके जब आइडेंटिटी याद होंगी और आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आप अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जाए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के द्वारा आएंगे जैसे कि एक कहावत भी है प्रैक्टिस मेक प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो यहाँ पर आपको अगर परफेक्ट बनना है इनमें तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो वन इसको लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्यर ए और ये क्या है बच्चों मेरा कोस एक स्क्वेयर ए अब इसको मैं कॉस एक् स्क्र को मैंने नहीं ज़्यादा टच किया है और टेन स्क्यर ए के इस पहले इस पर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर टेन स्क्यर ए प्लस वन ये क्या है सिर्फ मैंने एल लिया और एल से इस फ्रैक्चर को मैंने शॉल्व कर दिया अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कॉस स्क्यर ए इसको किस टर्म में लाना है मुझे किसकी टर्म में सेक की टर्म में तो ये टेन स्क्यर ए के बराबर जानता हूँ मैं क्या जानता हूँ मैं सैक स्क्यर ए माइनस टेन स्क्यर ए तो टेन स्क्यर ए के प्लेस पर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर सेक स्क्र ए माइनस वन प्लस वन और यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा टेन ए की जगह क्या आ जाएगा मेरा सैक स्क्यर ए माइनस वन अब वन से वन क्रॉस हो जाता है और मेरा बच जाता है यहाँ पर कॉस स्क्यर ए इक्वल टू सेक स्क्र ए और सैक स्क्यर ए माइनस वन इनका रूट स्क्र खत्म कर रूट इनका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ कर देता हूँ अंडर रूट और इसका हो जाएगा मेरा कोसैक ए और ये आ जाएगा मेरा सेक ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्र ए माइनस वन तो यहाँ से आ जाती है मेरी फोर्थ कोसेक ए का सॉल्यूशन अब मैं जानता हूँ मुझे पता है फोर्थ की तरफ फाइव की तरफ बढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ साइन ए साइन ए किसका होता है वन अपॉन कोशैक ए और यहाँ पर कुशैक की वैल्यू लिख देता हूँ मैं सैक ए डिवाइडेड बाई सेक स्वयर ए माइनस के वन इसको मैं रीराइट करता हूँ तो आ जाता है मेरा सेक स्क्र ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए और ये हो गया मेरा साइन ए और ये आ जाएगा मेरा नंबर फिफ्थ नंबर फिफ्थ अब बच्चों कौन सा नंबर बच गया हमको ये देखना है हमारा नंबर कौन सा बच गया अब हमारा सेक ए की मतलब लिखना है तो सेक ए बचा तो सेक ए तो क्या हो जाएगा सिक्स तो सेक ए सिक्स के लिए हमारा सेक ए क्या है सेक ए ही रहेगा तो इस तरह हमारा इक्वेशन हमारा एक्सरसाइज एट पॉइंट टू का इक्वेशन नंबर टू का सॉल्यूशन एट पॉइंट टू नहीं एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर टू का सोलूसन हो गया अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना है बच्चों आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस यानी कि मेरा क्वेश्चन ये है और मुझे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें एक को करेक्ट करना है और उसको जस्टिफाई करना है तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं क्वेश्चन क्या हमारा नाइन सेक स्क्र ए माइनस नाइन टेन ए अभी आप इसमें देख रहे हैं तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों नाइन नाइन मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा आ गया ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए अब नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्र ए का हो गया वन और यहाँ पर आ गया नाइन अब ये क्या है नाइन इस तरह मेरा इसमें क्वेश्चन क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर आ गया बी क्या आंसर आया मेरा बी और बी को सेटिस्फाई कर दिया मैंने इसका सोल्यूशन बताकर अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री का सेकेंड क्वेश्चन तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये जानकारी करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक्ट वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे हम वन टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम इसका टिक्नोमेट्रिक आइडेंट टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये इसका टिक्नोमेट्रिक रेस और सेक थीटा को लिखता हूँ मैं वन कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ साइन और टर्म में ये हो गया मेरा थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस वन बटे साइन थीटा अब बच्चों मैं इसको करता हूँ तो इसमें एल हो गया मेरा क्या कॉस्ट थीटा और ये आ गया मेरा कॉस्ट थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन और ये हो गया मेरा ब्रैकेट और यहाँ पर लेंगे हम साइन थीटा ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन और ये बच्चों हम और थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी मैं देखता हूँ कि ये क्या है बच्चों ये ये एक टर्म मान के चलो एक्स है और ये क्या है मेरा वाई वन वाई है यहाँ पर भी ये क्या हो गया मेरा एक्स और ये क्या है वाई तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई तो एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्यर ये है मेरा मेरी एलजेवरिक आइडेंटिटी तो इस एलजेवरिक आइडेंटिटी का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्यर माइनस वन का स्क्यर और ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा ये आपकी समझ में आ गया अब ये क्या है ये में एक एलजेवरिक आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई का स्क्यर इसको लिखते हैं इस आइडेंटिटी को एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू एक्स वाई तो इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ किसको बच्चों इस वाले x प्लस वाई के होल स्क्यर के एलिजेब्रिक आइडेंटिटी की अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वन और ये आ गया मेरा कॉस थीटा साइन थीटा ठीक है बच्चों यहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया है और ये आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा अब माइनस वन से माइनस वन क्रॉस हो गया बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन बनता चला जा रहा है टू कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा अब ऊपर नीचे देखो कॉमन क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये है तो ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पर आ गया मेरा टू और इस तरह मेरा आंसर आ गया इसका सी और जस्टिफिकेशन दे दिया ये तो इस तरह अगर हमारे आइडेंटिटीज पर पूरा कंट्रोल है और हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे लिए टिक्नोमेट्री बनने वाली है बड़ा ही अच्छा हथियार जो हमको नंबर देगा 100 परसेंट बोर्ड एग्जाम में अब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड और मुझे उम्मीद है कि शायद इस क्वेश्चन को आप देखते ही आपको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का अगर मुझे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो मैं निश्चित ही सबसे पहले क्वेश्चन लिखूँगा और मैं जो टिक्नोमेट्रिक रेसोज को जानता हूँ उनके अकॉर्डिंग इसमें आगे बढ़ूँगा तो बच्चों सेक ए का क्या होता है वन अपॉन कॉस ए और टेन ए का तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा क्योंकि लगातार हम क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं तो इसका है हमारा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और ये क्या है बच्चों मेरा वन साइन ए अब हम देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या हो गया एलसीएम एलसीएम एम एल हो गया कॉस ए तो यहाँ से आ जाएगा मेरा वन साइन ए और ये क्या है मेरा वन साइन ए डिवाइडेड बाय वन अब बच्चों मैं ये देख बताऊँ अगर आपको ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ये क्या है मेरा एल आइडेंटिटी तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वन प्लस साइन ए और यहाँ पर लिख दूँ वन माइनस साइन ए तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपकी माइंड में इसकी इमेज बन गई है तो होने वाला मेरा वन साइन स्क्वायर ए ये होने वाला है तो इसकी वन का तो वन होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ वन साइन स्क्वायर ए तो इनकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ वन माइनस के साइन ए डिवाइडेड बाई

डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए कॉस ए एक से एक क्रॉस हो गया और ये आ गया मेरा कॉस ए और कॉस ए को मैं अब ढूंढूंगा इनके ऑप्शन में तो ऑप्शन मिला मुझे डी तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो गया यहाँ पर डी करेक्ट अब हम फिर एक ही बहुत बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ती हैं क्वेश्चन फोर्थ तो आपको देखते ही फिर पता लग गया होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखेंगे जो हमें बहुत ही अच्छी तरह याद होगी है टेन एकवल टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉ से और कॉट इक्वल टू कॉ से डिवाइडेड बाई साइन ए तो जस्ट हम इसमें हमने इसमें क्या करा टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लिख दिया और वन प्लस के कॉस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ मैं तो इसको मैं LCM लेता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए तो अभी मैं इसको भी करता हूँ तो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए और ये क्या आ गया मेरा साइन स्क्र ए अब बच्चों देखो इसको मैं थोड़ा सा री राइट कर लेता हूं तो इसकी जगह क्या लिखू मैं वन डिवाइडेड बाई कॉस स्वयर ए वन डिवाइडेड बाई साइन स्वयर ए ठीक है अब ये क्या हो जाएगा वन साइन स्क्र ए और वन कॉस स्क्र ए तो ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्र ए और ये टेग्नोमेट्रिक रेशो है मेरा टेन स्क्र ए और अब देखना है इसका सॉल्यूशन आ गया टेन स्क्यर ए आंसर और ये है मेरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो गया डी राइट right. अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं जिसके टेन पार्ट है और मैंने ये देखा पिछले टेन ईयर के पेपर में कि हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर पूछा गया है तो अगर आपको अपने तीन नंबर कंफर्म करने हैं कि तीन नंबर का क्वेश्चन मेरा आइडिया ये है कि इन दस क्वेश्चनों में से ही मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा अगर इनमें से एज एट इज क्वेश्चन नहीं भी आता तो थोड़ा बहुत चेंज करके अगर क्वेश्चन दिया भी जाएगा तो आप निश्चित निश्चित ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे अगर आप इन दस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन ये हमें क्या करना प्रूफ प्रूफ में क्या होता है बच्चों जो एल एच एस साइड है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है वो राइट हैंड साइड के फंक्संस के बराबर होना चाहिए तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड की है और ये है मेरी आर एच एस साइड तो अभी मुझे एल एच एस ले लो अगर मैं एल एच एस को लेकर ले सॉल्व करूँगा तो आर एच एस आना चाहिए और अगर मैं आर एच एस को लेकर सॉल्व करता हूँ तो एल एच एस आना चाहिए और ये ही मुझे इसमें प्रूव करना है तो मैं यहां पर ले लेता हूं बच्चों साइड क्या है एल एच एस है स्क्वायर अब बच्चों यहां पर क्या देख रहे हैं आप एक एल जेवरिक आइडेंटिटी देख रहे हैं ए माइनस बी का स्क्वायर तो इसको करने के लिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मेरी एलजेवरिक आइडेंटिटी ये है अब मैं इस एलजेवरिक आइडेंटिटी को यूज कर कर इसको ओपन कर देता हूँ तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर कुसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू कोसैक थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा तो ये आप आपने देखा है तो यहाँ पर मेरा ये सॉल्यूशन आ गया है अब मैं इसमें करता हूँ इनको चेंज कर देता हूँ कॉशेक्ट थीटा, थीटा. तो थीटा, थीटा. थीटा, थीटा, थीटा. थीटा क्या होता है वन बाई साइन थीठा तो स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं वन बाई साइन स्क्यर थीठा और कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर टू कुशेक्ट थीटा क्या होता है बच्चों वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा और कोट थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो इस तरह मैं देखूंगा तो क्या होगा मेरा ये वन बाई साइन स्वयर थीटा प्लस स्क्र थीटा डिवाइडेड बाय साइन सा थीटा माइनस के टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्वयर थीटा ठीक है बच्चों क्योंकि मैंने इसको लिख दिया इस तरह अब इसमें देखो एल क्या है तो एल सी एम या है मेरा साइन स्क्र ठीठा वन प्लस के कॉस स्क्यर थीटा माइनस के टू कॉस थीटा अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान करो ये किस चीज़ की कौन सी आइडेंटिटी है अभी मैं देखूंगा तो एक आइडेंटिटी है मेरी ये कौन सी एक्स ये ये वाली आइडेंटिटी ही मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ तो इसको मैं अगर ए लूँ और इसको बी ए स्क्र बी और माइनस टू ए बी तो इसको बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं ए माइनस बी का स्क्वायर तो इस तरह ए क्या है इसमें बच्चों ए क्या है मैं यहाँ ए को क्या लिख दूँ यहाँ पर वन और बी क्या है कॉस तो वन माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा तो बच्चों अभी मैं करता हूँ इसको वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों वन माइनस के कॉस स्क्र थीठा कैसे आया वन माइनस कॉस स्क्यर थीटा क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्यर थीटा इक्वल टू वन और यहाँ से आ जाएगा मेरा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस वन माइनस कॉस स्क्र थीटा अब ये क्या है ए माइनस बी का ए स्क्यर माइनस बी स्क्र इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी वन माइनस कॉस ठीटा और इसको लिख दिया मैंने वन माइनस के कॉस थीटा और ये ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ओके तो इसको लिख दूंगा वन माइनस कॉस थीटा डॉट या क्रॉस वन माइनस कॉस थीटा प्लस हो गया वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा क्रॉस हो गया मेरा ओके okay. ओके okay. ये क्या है मेरा वन माइनस कोस थीटा और यहाँ भी कट गया वन माइनस कोस थीटा और ये आ गया कोस थीटा तो मेरा आ गया क्वेश्चन वन माइनस के कोस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कोस थीटा क्या है आरएचएस साइड क्या है बच्चों आरएचएस साइड अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी हम क्या देख रहे हैं इन क्वेश्चनों में हम एल साइड लेंगे आरएचएस के बराबर कर देंगे साइड लेंगे उसको कर देंगे LHS के बराबर तो ये क्वेश्चन नंबर टू में मैं क्या करता हूं हम LHS ले लेते हैं और एल एच एल एच एस साइड को कर देते हैं प्रूफ आर एच एस के बराबर तो यहां पर लेते हैं एल एच एस एल एच एस क्या है कॉस ए वन प्लस के साइन ए प्लस वन प्लस के साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि कॉस ए वन प्लस साइन ए इस आइडेंटिटीज को तो हम चेंज नहीं करेंगे तो हम इनमें देखेंगे एल क्या है और एल है मेरा इसमें कॉस ए और वन प्लस साइन ए इस एल से हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस ए और यहाँ पर क्या आ गया मेरा वन प्लस के साइन ए और वन प्लस के साइन ए ओके अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्र कॉस स्क्यर ए और ये आ जाएगा मेरा वन प्लस के साइन ए का स्क्र और ये आ गया मेरा कॉस ए और ये आ गया मेरा वन प्लस के साइन ए ओके और आगे बढ़ते हैं अभी कॉस स्क्र ए और अगर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर मैं इसको ओपन कर सकता हूँ एक्सपेंड कर सकता हूँ तो वन प्लस के साइन स्क्र ए प्लस टू साइन ए और ये क्या है मेरा कॉस ए वन प्लस के साइन ए अभी बच्चों मैं इसको रीराइट कर देता हूं तो हो जाएगा कॉस स्क्र ए प्लस के साइन स्क्वेयर ए प्लस के वन प्लस के टू साइन ए और डिवाइडेड बाय हो गया मेरा कॉस ए वन प्लस के साइन ए इसका क्या आ गया मेरा वन वन प्लस के वन प्लस के टू साइन ए और ये आ गया मेरा कॉस ए वन प्लस के साइन ए तो बच्चों ये क्या होगा वन प्लस वन टू तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू प्लस के टू साइन ए ये आ जाएगा मेरा कॉस ए वन प्लस के साइन ए आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या बच्चों कॉमन टू तो टू वन प्लस के साइन ए और यहाँ पर हो गया मेरा कॉस ए और वन प्लस के साइन ए तो ये ऊपर नीचे बराबर है तो क्या होगा क्रॉस हो गया टू बटे कॉस ए और टू बटे कॉस ए को लिख दूंगा टू वन बाई कॉस ए वन बाई कॉस ए क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है टू सेक ए और ये क्या है बच्चों मेरा आर एच एस तो इस तरह मेरा प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस और ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है वैसे तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे ही बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं तो आप इनको ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जब भी आपका क्वेश्चन दिए तीन नंबर में आएगा और ये आपका पेपर में आपको तीन नंबर कंप्लीट दिलाएगा ही दिलाएगा तो इसमें हिंट भी दिया हुआ है बच्चों राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस्ट थीटा अब आप इसमें ये मेरी एल एच एस साइड है और ये आर एच एस साइड है आप आर को भी लेकर एल कर सकते हो और एल को भी लेकर आर कर सकते हो तो बच्चों यहाँ पर मैं लेता हूँ एल एच एस एल एच एस ये मेरी टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस के टेन थीटा अब मैं ये टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और इसको लिख सकता हूँ मैं वन माइनस के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको और आगे भी नहीं होने वाली है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बटे वन माइनस के साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा तो बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई है ठीक है अब हम लिख देते हैं इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम आगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन और ये हो गया मेरा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ओके अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो और आगे आ जाते हैं यहाँ के बाद हम सीधे यहाँ पर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और इसको लिख सकता हूँ मैं बच्चों साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा आपके समझ में आ गया होगा मेरा मानना ये है अब मेरा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्रॉस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा ओके अब ये साइन थीटा साइन थीटा क्या होगा बच्चों साइन स्क्वेयर थीटा और इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसकी जगह ये क्या होगा ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा और इसको सेम करने के लिए अगर मैं इसको माइनस को बाहर निकालूँ साइन थीटा तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा की जगह ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो इसको लिख दूंगा मैं साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और ये हो गया मेरा माइनस तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्र थीटा और ये आ जाएगा मेरा साइन थीटा और यहाँ आ गया मेरा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा ठीक है बच्चों अब हम ये चलते चला जा रहे हैं और इसमें देखना है मुझे एल क्या है तो मेरा एल आ जाएगा मेरा यहाँ पर कॉस ठीटा साइन ठीटा माइनस के कॉस ठीठा और यहाँ पर ले लिया मैंने ये साइन ठीटा तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन क्यूब ठीटा माइनस के कॉस क्यूब थीठा यानी कि अब आपको याद होगा कि अगर मैं एक फार्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वर प्लस ए बी प्लस बी स्क्र ये एक एल जेवरिक आइडेंटिटी है इसमें हम यूज कर सकते हैं इस एल जेवरिक आइडेंटिटी का तो जब हम इस एल जेवरिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्यर थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ गया मेरा यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इससे हो गया ये क्रॉस और मेरा बच्चों ये क्या आ जाएगा मेरा बच गया साइन स्क्यर थीटा प्लस कॉस स्क्यर थीटा प्लस के हो गया साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या करना है मुझे इसको साइन थीटा कॉस थीटा और ये क्या आ गया मेरा वन प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा अब ये हमें क्या कर सकते हैं हम बच्चों हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको क्योंकि बोर्ड हो गया है हमारा कम तो हम इरेज के लिए इरेजर लेकर आएंगे और इरेजर से थोड़ा सा इसको मिटा देंगे तो मिटाने के बाद मैं यहाँ पर आ गया इसे दोबारा यहां से मैंने यहाँ पर ये यह, यहाँ रिप्लेस कर दिया है तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा ये दो टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इसका हो गया वन और वन बाय साइन थीटा डॉट वन कॉस थीटा प्लस वन और यहाँ पर वन बाई साइन ठीटा क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा और ये होता है मेरा सेक थीटा प्लस वन तो इसलिए आ जाएगी वन प्लस के सेक थीटा और कोशेक थीटा ये क्या है मेरी आर एच एस आर एच एस और इस तरह आ जाएगी मेरी बच्चों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस साइड इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है अब हम करेंगे कौन सा हम करेंगे फोर्थ फोर्थ सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को तो हम देखते हैं इसमें एक हिंट दिया है सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली यानी कि हमको एल एच एस साइड और आर एच एस साइड सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल होती है नहीं तो ये बच्चों एल एच एस साइड है जो लेफ्ट हैंड की तरफ है और ये आर एच एस साइड है जो राइट right हैंड की तरफ है तो यहाँ पर पहले मैं ले लेता हूँ एल एच साइड को एल एच एस साइड क्या है ये ले लेते हैं हम वन प्लस के सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए अब इसमें मुझे क्या करना है मुझे सीधा लिखना है वन सहके को क्या लिखता हूँ मैं वन बटे कॉस ए इसका टेग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है और इसका वन बटे कॉस ए तो ये तो बड़ा ही आसान सा लग रहा है मुझे इसको मैं लिख देता हूँ कॉस ए प्लस वन बटे कॉस ए और वन बटे कॉस ए इसको री करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वन बटे कॉस ए और ये हो जाएगा मेरा कॉस ए बाई वन इससे ये क्रॉस हो गया तो ये क्या आ गया मेरा वन प्लस के कॉस ए अभी मैंने एल एच एस को छोड़ दिया यहाँ पर अब मैं लेता हूँ आर एच एस को आर एच एस को पकड़ता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए वन माइनस के कॉस ए अब साइन स्क्वायर ए वन माइनस के कॉस ए तो देखो क्या करना है मुझे मैं जानता हूँ एक आइडेंटिटी ये साइन स्क्यर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन तो इससे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्यर ए की जगह लिख सकता हूँ मैं वन माइनस के कॉस स्क्यर ए तो तुरंत लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर के प्लेस पर वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिख देता हूँ वन माइनस के कॉस ए अब मुझे दिखाई दे रही है इसमें भी एक आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी है ए स्क्यर माइनस के बी इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस के बी तो ये होगा मेरा वन प्लस के कॉस ए और वन माइनस के कॉस ए डिवाइडेड बाय वन माइनस के कॉस ए इससे ये क्रॉस हो गया तो मेरा होता है वन प्लस के कॉस ए आर एच एस साइड के आगे बच्चों मेरी ये और एल एच एस साइड है मेरी आई हुई ये तो देख रहे हैं हम एल एच एस और आर एच एस इक्वल है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अब बच्चों हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं इसमें क्या करना है हमको तो यहाँ पर भी हम हमारी एल एच एस को इक्वल करना है आर एच एस की ठीक है बच्चों तो एल एच एस को लेंगे तो आर एच एस आना चाहिए आर एच एस को लेंगे तो एल एच एस आना चाहिए ये हमारा फंडा है तो एल एच एस को लेते हैं हम कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस के वन और कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के वन ओके अब मुझे क्या करना है देखते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते कौसे साइन ए को सैक कोसे को लिखूँगा सैके साइन ओ को सैक ए प्लस वन तो इससे कोई मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैं लिखता हूँ कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या करता हूँ बच्चों में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए तो शायद मैं कर ही सकता हूँ और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन ए तो ये मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया और अब देखता हूँ मैं इसको अगर मैं कॉस ए के नीचे लिखता हूँ साइन ए और साइन ए रिराइट कर रहे हैं बस सिर्फ इसको और कुछ नहीं कर रहे हैं वन बाई साइन ए और यहाँ पर कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए वन बाई साइन ए इससे ये क्रॉस हो गया इससे ये क्रॉस हो गया अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम कोटे तो मैंने लिख भी दिया बच्चों कोटे और ये तो कट के माइनस वन हो गया ये वन और ये क्या हो गया मेरा ए ओके इसकी जगह क्या लिखूँ मैं कॉट ए क्या लिख दूँ कॉट ए और इसके प्लेस पर लिख दूंगा वन माइनस के क्या हो गया कोसैक ए ओके अभी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले आता हूँ इसके इसके आगे हम यहाँ से चलते हैं तो मैंने इसको थोड़ा और रीराइट करा कोट ए कोस ए माइनस वन इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं कॉट ए प्लस वन माइनस के कोसेक ए ओके अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब कॉट ए प्लस कोसेक ए अब मुझे ये पता है कि मैं इसके स्थान पर कुछ लिख सकता हूँ और ऐसा लिखता हूँ जिसका कॉम्बिनेशन ये हो तो ये तो मैं जानता हूँ तो मैं जानता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इसमें तो बच्चों हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है लिखने में कॉट ए प्लस वन माइनस के कॉस ए ओके और आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं कॉट ए प्लस कॉस कॉशैक ए तो इसको ये क्या है मेरा ए स्क्र माइनस बी स्क्र की एल जेबरिक आइडेंटिटी लगा के मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ तो माइनस की करता हूँ मैं इसको कॉस कॉसैक ए माइनस के कॉट ए और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए प्लस के कॉट ए तो यहाँ तक बच्चों मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कॉट ए प्लस वन माइनस के कोसेक ए ओके okay. अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखते हैं हम कॉट ए प्लस के कोशेक ए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब इस माइनस की करता हूँ मैं यहाँ पर आगे जाके मल्टी इसको अंदर कर देता हूँ तो जब इसको अंदर कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें देखेंगे हम इसमें कॉमन क्या है इसमें कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है ये जब ये कॉमन है तो क्या आ गया मेरा वन माइनस के कूशेक ए माइनस कॉट ए और ये आ गया मेरा ये आ गया मेरा कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के वन थोड़ा सा और रीराइट करते हैं इसको तो ये आ जाएगा मेरा कॉट ए प्लस के कोसेक ए और अगर इसको लिखू मैं वन इसकी यहाँ के हम इसकी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या आ जाएगा कूसैक ए और ये हो जाएगा मेरा कॉट ए और नीचे लिखा हुआ यहाँ क्या मेरा बच्चों कॉट ए माइनस के कूसैक ए प्लस के वन और इसको और ये क्या हो गए इक्वल ये मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो मेरा क्या बच गया बच्चों मेरा बच जाता है यहाँ पर कोसेक ए प्लस के कॉट ए ये आ गया मेरा आर एच एस इस तरह हो गई मेरे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखिए और खुद भी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चंस आने वाले हैं और इनमें कोई शॉर्टकट नहीं है अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव में एल को लेकर आर और आर को लेकर हम एल एच प्रूव कर सकते हैं तो मैं लेता हूं यहाँ पर एल आप ले सकते हैं आर भी ले सकते हैं तो वन प्लस साइन ए वन माइनस के साइन ए ये आ गई मेरी इक्वेशन अब देखते हैं इसमें क्या करना है वन प्लस साइन ए वन माइनस के साइन ए ये मैंने करा और इसमें जो अभी ये माइनस का साइन है इसका अपोजिट करके मैंने इसके न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो वन प्लस के साइन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस के साइन ए ओके अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा वन प्लस के साइन ए का स्क्वायर और ये आएगा मेरा वन माइनस के साइन स्क्वेयर ए ओके अब वन प्लस के साइन ए का होल स्क्वेयर और ये हो गया मेरा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए इस पे क्या है रूट अब इसके रूट को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा विदाउट स्क्वायर वन अपॉन साइन ए कॉस ए और इसको लिख देते हैं वन अपॉन कॉस ए प्लस के साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और इसका आता है मेरा सेक ए और इसका हो जाएगा मेरा टेन ए ये हो जाएगा मेरा आर एच एस और ये था मेरा एल एच एस तो एल एच एस इक्वल टू हो गया वहां वहाँ पर हमारा आर एच एस अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर सेवन तो क्वेश्चन नंबर सेवन को भी देखते हैं कैसे करते हैं तो हम इसका लेते हैं एल एच एस तो एल एच एस लेने के बाद हम चलते हैं इसका इक्वल टू साइन थीटा माइनस के टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू बच्चों थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत आ रही है तो मैंने थोड़ा सा इसके सेल को चेंज कर देता हूँ आप थोड़ा सा पेन से अंदर रखिए सेल चेंज कर दिया है इसका टू cosec थीटा माइनस कॉस ठीटा ओके अभी मैंने देखना है इसमें ऊपर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है इसमें कॉमन है मेरा साइन थीटा तो वन माइनस के टू साइन स्क्वर थीटा और नीचे भी देखोगे तो नीचे को मैंने मेरा कॉस्ट थीटा नीचे आ जाएगा टू कॉस स्क्र थीटा माइनस के वन ओके बच्चों ठीक है तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस के टू साइन स्क्वेयर थीटा और इसको लिख सकता हूँ मैं टू वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन ठीक है तो इसका क्या आ गया इसका इसकी जगह होता है मेरा ये टीग्नोमेटिक रेसो किसका टेन का तो टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया टू टू कॉस थीटा माइनस के वन यहाँ पर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया मेरा टेन थीटा इन वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस की कीजिएगा यहाँ पर मैं गलत कर गया साइन लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन ये क्या होगा तो ये आ जाएगा मेरा टू माइनस वन वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा और इससे ये क्रॉस हो गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये मेरा आ गया टेन थीटा और टेन थीटा क्या है मेरा आर एच एस इस तरह मैं बोल सकता हूँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों एर्थ क्या क्वेश्चन है एर्थ एर्थ को लेते हैं तो हम आ जाते हैं एल एच एस अब एल एच एस क्या है इसका एल एच एस है मेरा साइन ए प्लस के मेरा कोसेक ए का स्क्र प्लस के कोसेक ए प्लस सेक ए का स्क्वेयर और इसको मैं ओपन करूँगा ए प्लस बी का होल स्क्र लगाऊँगा यहाँ पर ये यह होता है ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस टू ए बी प्लस के बी स्क्र ओके बच्चों तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको साइन स्वैर ए प्लस के कॉसैक स्क्यर ए प्लस टू साइन ए कॉसैक ए और ये होता है मेरा कॉस स्क्र ए प्लस सेक स्क्र ए प्लस टू कॉस ए सेक ए अब देखते हैं हम बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं इसको और इसको एक साथ कर सकते है? करते हैं थोड़ा सा तो साइन स्क्र ए प्लस के कॉस स्क्र ए ये तो हो गया मेरा अब आता हूँ मैं यहाँ पर तो इसको लिख देता हूँ मैं कू सैक ए और ये और ये क्या हो जाएगा फोर और ये इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर सैक स्क्र ए और ये हो गया मेरा फोर साइन ए और कोसैक साइन एर कोसैक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्र ए क्या होगा वन प्लस ये फोर प्लस कोस कू ए प्लस के सैक ए ओके ये हो गया है मेरा यहाँ पर फाइव प्लस के कोस सेक स्क्र ए प्लस सेक स्क्र ए अब मेरे पास दो आइडेंटिटीज का मुझे अच्छी तरह से मालूम है सबसे पहले ही इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने उनको किया था एक तो किया था हमने बच्चों कौन सी को किया था सैक स्क्यर ए माइनस के टेन स्क्यर ए इक्वल टू वन जिससे आता है मेरा सेक स्क्र ए वन प्लस के टेन स्क्यर ए और दूसरी आइडेंटिटी है मेरा जिससे आता है कॉस स्क्र ए वन प्लस के कोट स्क्यर ए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फाइव को सैक स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ वन प्लस के कोट स्क्र ए और सेक स्क्र की जगह लिख देता हूँ वन प्लस के टेन स्क्यर ए ये हो क्या हो गई मेरी सेवन सेवन के बाद मेरा आ जाएगा क्या टेन स्क्यर ए प्लस के कोट स्क्यर ए और ये क्या है मेरी आर एच एस तो इस तरह आ गया मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये भी क्या हो गई प्रूफ हो गया ये भी अब चलते हैं हम नाइन्थ कौन से क्वेश्चन पर नाइन्थ पर बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका भी मैं एल एच एस साइड को ले लेता हूँ लेकिन इसमें लिखा है कि एल एच एस और आर एच एस दोनों को लेना पड़ेगा उसके बाद ये प्रूफ हो पाएगा कोई बात नहीं हम एल एच एस को ले लेते हैं पहले कौशैक ए माइनस के साइन ए कोसैक ए माइनस के, के साइन ए और ये है मेरा सेक ए माइनस के कॉस ए तो अभी हमें क्या करना है इसमें हमारे पास ज़्यादा टेक्नोमेट ज़्यादा इसमें हथियार नहीं है ज़्यादा टेक्निक नहीं है तो कोस एक ए कोई जगह लिख देंगे वन माइनस के साइन ए और साइन ए को रखेंगे सेम टू सेम और यहाँ भी कॉस ए को लिख देंगे वन अपॉन कॉस ए ए को लिख देंगे वन अपॉन कॉस ए और कॉस ए को रखेंगे हम सेम तो ये आ जाएगा मेरा वन माइनस के साइन स्क्यर ए डिवाइडेड बाय साइन ए और ये हो जाएगा मेरा कॉस ए वन माइनस के कॉस ए ओके अब बच्चों ये क्या होता है ये किसके बराबर है ये है मेरा कॉस स्क्यर ए के बराबर और ये साइन ए क्यों हैं ये आप जानते हैं क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कराई थी उन्हीं से सारे ये जो फंक्शंस है जो आइडेंटिटीज है बन रही हैं वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए को लिख दूंगा मैं साइन स्क्र ए और ये हो जाएगा मेरा कॉस ए इससे क्रॉस हो जाएगा ये और एक से हो जाएगा ये तो इस तरह मेरा आ जाएगा क्या बच्चों ये कॉस ए साइन ए ये आ जाएगा मेरा कॉस ए साइन ए ये मेरा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर है तो ये आ गया मेरा कॉस ए साइन ए ओके अब मैं ले लेता हूँ इसका आर एच एस आर एच एस लेता हूँ इसका टेन ए प्लस के कॉट ए ओके okay. अब इसको लेने के बाद मैं करता हूँ वन अपॉन साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए वन और ये आ जाएगा मेरा मेरा क्या होगा कॉस ए साइन ए और ये आ गया मेरा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए तो क्या होगा मेरा वन क्रॉस कॉस ए साइन ए और ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अब साइन स्क्र ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या है इक्वल टू वन तो आ गया मेरा वन प्लस क्रॉस कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय वन तो ये हो गया मेरा कॉस ए साइन ए ये क्या है बच्चों कॉस ए साइन क्या है मेरी आर एच एस और ये है मेरी क्या एल एच एस अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरी एल और आर क्या है दोनों इक्वल है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो इस तरह मेरा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अब हम इस 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो हम ये इसके बराबर या इसके बराबर प्रूफ करना है तो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले इसको ले लेता हूँ किसको ले लेता हूँ इसको वन प्लस के तो टेन स्क्र ए वन प्लस के कॉट स्क्र ए तो इसको हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है वन प्लस के साइन स्क्यर ए टिक्नोमेट्रिक रेशो लिख देते हैं टेन ए का स्क्र ए और यहाँ भी लिख देते हैं हम कॉस स्क्यर ए डिवाइडेड बाई साइन स्वयर ए और ये हो जाएगा मेरा क्या बच्चों कॉस स्क्र ए प्लस के साइन स्क्यर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्यर ए और ये हो गया मेरा साइन स्क्र ए प्लस कॉस स्क्यर ए डिवाइडेड बाई साइन स्र ए कुछ नहीं करा मैंने इसको ये फ्रैक्शन है इनको सिम्प्लीफाई किया उसके बाद लिख दिया तो ये आ गया मेरा वन अपॉन कॉस स्क्यर ए और ये हो गया वन अपन साइन स्क्यर ए तो इसको लिख सकता हूँ मैं वन अपॉन कॉस स्क्र एस साइन स्क्यर ए बाई वन और ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्र ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्यर ए ये हो जाता है मेरा टेन स्क्र ए ये है मेरी आर एच एस साइड क्या है आर एच एस साइड अब इसके बराबर तो ये हो गई अब इसको भी देख लेते हैं ये भी ले लेते हैं आर एच एस वन माइनस के टेन ए स्क्वेयर इसको लिख दूंगा वन माइनस के कॉट ए इस्केर चलो तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं हमारे पास क्या तरीका है इसको सोल्व करने का वन माइनस के साइन ए बटे कॉस ए स्क्र कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं वन माइनस के कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं इसको क्या लिखते हैं लिखते लिख, हैं तो कॉस ए माइनस के साइन ए कॉस ए इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर साइन ए क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए और ये आ गया मेरा क्या बच्चों साइन ए माइनस के कॉस ए का स्क्वायर अब ये माइनस है ये प्लस है तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो माइनस प्लस ये हो जाएगा ये और ये क्या होगा इक्वल हो गया और ये हो गया मेरा साइन स्क्यर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्र ए ये हो जाएगा मेरे टेन स्क्वायर ए के इक्वल तो ये क्या है मेरा आर एच एस इस तरह हो गया मेरा यहाँ पर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो क्वेश्चन नंबर टेन के साथ ही मेरी एन सी आर टी टेक्सट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं ये हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 अब मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में जो 10 ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं पिछले सालों में उनमें से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का आपको अगली वीडियो में सबका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो जो मैंने दस क्वेश्चन करे हैं इनमें से पूछे गए हैं बोर्ड बोर्ड्स एग्जाम में और जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ओके okay, थैंक यू धन्यवाद